नमस्कार दोस्तों, ज्ञान घरेलू उपचार में आप लोगों का स्वागत है एक बार फिर से नई जानकारी के साथ। आज आपको एक ऐसे पौधे के बारे में बताने जा रहे हैं जो आपको हर मौसम में, हर समय और हर जगह बड़ी ही आसानी से मिल जाएगा, क्योंकि ये पौधा पूरे साल भर पाया जाता है, मतलब कि 12 के 12 महीने, और इसीलिए ही इस पौधे को सदाबहार का नाम दिया गया है। इस वीडियो में सदाबहार के आपको इतने बेहतरीन फायदे बताएंगे जिन फायदों को जानकर आप आज से ही इसका इस्तेमाल शुरू कर देंगे, क्योंकि सदाबहार इतना इफेक्टिव होता है जो बेहद ही कम समय में अपना असर दिखाने लगता है, शरीर को कोई नुकसान भी नहीं पहुंचाता और एकदम मुफ्त में मिलता है। ये पौधा अलग अलग जगहों पर अलग अलग नामों से पहचाना जाता है। अगर आप इसके सभी नामों को जानना चाहते हैं तो नीचे डिस्क्रिप्शन में देख सकते हैं, वहाँ हमने इसके सभी नामों को मेंशन किया हुआ है। हाँ तो दोस्तों, ये एक ऐसा पौधा है जो घरों के आसपास, बाग बगीचों में, मंदिरों के आंगन में या फिर तालाब के किनारे आपको बड़ी ही आसानी से मिल जाएगा। इस पौधे में गुलाबी और सफेद ऐसे दो रंग के बेहद ही खूबसूरत फूल उगते हैं। यह पौधा न सिर्फ दिखने में खूबसूरत लगता है बल्कि हमारी सेहत के लिए भी बहुत ही ज्यादा फायदेमंद होता है। सदाबहार का पौधा चेहरे की चमक बढ़ाता है, चेहरे पर पड़े रिंकल्स को कम करता है, जाइया हटाता है और डलनेस को दूर करके हमारी स्किन को ब्राइट और टाइट बनाता है, और इसके साथ साथ हमारे शरीर को भी इतना शक्तिशाली बनाता है कि कमजोर से कमजोर इंसान भी ताकतवर बन जाता है और उसे बुढ़ापे में कभी भी कमजोरी का एहसास भी नहीं होता। तो आइए इसके फायदों की बात करते हैं। लेकिन आगे बढ़ने से पहले हमारी आपसे यह गुजारिश है कि अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हुआ तो अभी सब्सक्राइब करें, ताकि आगे हम जब भी ऐसे हेल्थ से जुड़े वीडियो अपलोड्स करें उसकी नोटिफिकेशन आपको समय सर मिलती रहे। और दोस्तों, यदि आपको ये वीडियो पसंद आता है तो इसे लाइक और शेयर भी जरूर करें। सदाबहार के सबसे पहले और बड़े फायदे की बात करें तो कैंसर के मरीजों के लिए ये पौधा सबसे ज्यादा इफेक्टिव और फायदेमंद है। सदाबहार की पत्तियों में विनक्रिस्टिन और विनब्लास्टिन नामक दो ऐसे एंजाइम्स पाए जाते हैं जो कैंसर को मात देने में सहायक होते हैं। ऐसे में कई डॉक्टर्स द्वारा कैंसर के मरीजों को इसकी पत्तियों की चटनी बनाकर रोजाना खाने की सलाह दी जाती है और इससे काफी आराम भी पहुँचता है। लेकिन यदि आपको कैंसर की समस्या नहीं है तब भी आपको इस पत्तियों को खाना चाहिए, क्योंकि ये पत्तियाँ इतनी इफेक्टिव होती है कि कैंसर सेल्स को हमारे शरीर में पनपने ही नहीं देती। इसके अगले फायदे की बात करें तो सदाबहार का डायबिटीज में सेवन किया जाए तो कैसा भी डायबिटीज क्यों ना हो कंट्रोल में आ ही जाता है। आपको बस करना इतना है कि सदाबहार की ताजी पत्तियों को सुखाकर इसका पाउडर बनाना है, फिर इस पाउडर को सिर्फ एक चम्मच लेकर रोजाना पानी के साथ सेवन करना है। कुछ समय में ही आपका डायबिटीज लेवल कंट्रोल में आ जाएगा और इस समस्या में काफी आराम मिल जाएगा। तथा अगर रोजाना सुबह सुबह इसकी 3 से 4 पत्तियों को खाया जाए तो इससे कोलेस्ट्रॉल में भी काफी आराम पहुँचता है। दोस्तों, सदाबहार का पौधा हमारे स्किन और बालों के लिए तो इतना उपयोगी है कि अगर आपने इसका एक बार इस्तेमाल शुरू कर दिया तो आप बाजार की सारी चीजों का यूज करना ही बंद कर देंगे, क्योंकि सदाबहार के यूज करने पर आपकी स्किन और बालों की लगभग सारी समस्याएं खत्म हो जाती है। अगर आप अपने चेहरे से जुड़ी समस्याएं जैसे कि चेहरे पर पिंपल्स का होना, चेहरे पर डलनेस आ जाना, जाइया या फिर रिंकल्स से परेशान है तो आपके लिए सदाबहार सबसे बड़ी दवा बनके उभर सकता है। ये सारी समस्याओं में सदाबहार के फूल का पेस्ट बनाए और सुबह सुबह नहाने से पहले अपने चेहरे पर लगाए और जब यह सूख जाए उसके बाद नहा ले। ऐसा करने से स्किन संबंधित सारी समस्या खत्म हो जाएगी। लेकिन हाँ, ये प्रयोग हफ्ते में 3 से 4 बार जरूर करें। ये तो हुई चेहरे की और स्किन से जुड़ी समस्याओं को खत्म करने की बात। लेकिन जिन लोगों को बालों से जुड़ी परेशानियां होती है, जैसे कि कम उम्र में ही सफेद बालों का उगना, बालों का झड़ना, बालों में डैंड्रफ की समस्या या फिर बालों से जुड़ी कोई भी और समस्या, इन सारी परेशानियों से राहत पाने के लिए इसकी पत्तियों का पेस्ट बनाए और पानी में मिलाकर इससे बालों को धोए। हफ्ते में आपको ऐसा 2 बार करना है और ऐसा करने पर बालों से जुड़ी हर प्रॉब्लम्स खत्म हो जाएगी और बाल फिर से काले होने लगेंगे। दोस्तों, जैसा कि हमने पहले बात की कि सदाबहार हमारी ताकत को भी बढ़ाता है, साथ ही साथ हमारी इम्यूनिटी पावर को भी बढ़ाता है। जी हाँ, सही सुना, अगर इसकी 3 से 4 पत्तियों को रोजाना खाया जाए तो इससे इम्यूनिटी पावर बढ़ती है, शरीर की कमजोरी दूर होती है और हमारा शरीर ताकतवर बनता है, और इन सभी के साथ साथ हमारे ब्लड की भी सफाई होती है। तो दोस्तों, है ना कमाल का पौधा। लेकिन एक बात का ख्याल रहे कि किसी भी प्रेग्नेंट महिलाओं को इसका सेवन नहीं करना है। तो बस आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में कुछ ऐसी ही जानकारी के साथ। तब तक के लिए जय जवान जय किसान।